ओम शांति। मुरली का तारीख है 18/1/2019। मीठे बच्चे, परफेक्ट बनना है तो ईमानदारी और सच्चाई से देखो कि मेरे में क्या क्या कमी है। बाप से राय लेते उन कमियों को निकालते जाओ। ओम शांति। अभी तुम आत्माओं का प्यार व मोहब्बत एक बाप से है, जिस आत्मा के लिए कहते हैं कि इनको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकती। ऐसी आत्मा का अब योग लगा है बाप से। उनको क्षमा भी कहते हैं, जिस पर परवाने जाकर जल मरते हैं। कोई तो फेरी पहन नाच करते हैं, कोई तो जलकर बलि चढ़ जाते हैं। बलि तो क्षमा पर सारी सृष्टि को चढ़ना है। उस बाप क्षमा के साथ तुम बच्चे भी मददगार हो। जहां जहां सेंटर्स हैं, सभी आकर तुम बच्चों द्वारा क्षमा पर कुर्बान जाते हैं। बाप कहते हैं, जो मुझ पर कुर्बान होते हैं, मैं फिर उन पर 21 बार कुर्बान होता हूं। अब या तो बच्चे जान गए हैं कि जाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। दीप माला पर देखा है छोटे छोटे परवाने कैसे फिदा होते हैं। जितना जितना तुम बच्चे योग लगाएंगे, शक्ति धारण करेंगे, उतना तुम भी क्षमा के समान बन जाएंगे। अभी तो सभी की ज्योति बुझी हुई है, कोई में भी ताकत नहीं रही है। आत्माएं सभी झूठी हो गई है। आजकल नकली सोना भी ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे रियल है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं। ऐसे आत्माएं भी झूठी बन गई है। सच्चे सोने में ही काद डालते हैं, तो आत्मा में काद पड़ गई है। इस कारण भारत और सारी दुनिया बहुत दुखी है। अब तुमको योग अग्नि से काद को भस्म कर पवित्र बनना है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला है, किसी चीज की मेरे में कमी तो नहीं है। अपने अंदर देखना होता है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो, बाप भी पूछते हैं लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, क्या क्या कामी है। जिसको निकालने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। कोई तो जरा भी पुरुषार्थ नहीं करते, कोई कोई अच्छी तरह पुरुषार्थ करते हैं। नए नए बच्चों को समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई कामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब परफेक्ट बनना है। बाप आते ही है परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर जांच करो कि हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यहां है। अगर कोई कामियां है तो बाप को बताना चाहिए। या कामियां हमारे से निकलती नहीं है। बाबा
हमें इसका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या कमी है। जिससे समझते हैं यह पद हम पा नहीं सकेंगे, बाप तो कहेंगे हाँ तुम इन जैसा हुबहू बन सकते हो। कामियां बताएंगे तब तो बाप राय देंगे, कामियां बहुतों में है। कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। वो फिर किसी को धारणा करा भी नहीं सकते। बाप रोज रोज समझाते हैं, वास्तव में इतना समझाने की दरकार नहीं है, या तो धारण करने की बात है। मंत्र है बहुत अच्छा, जिसका अर्थ बाप समझाते रहते हैं, इतने दिनों से समझाते रहते हैं। बात एक ही है, बेहद के बाप से हमको ऐसा बनना है। पांच विकारों को जीतने की बात अभी की ही है, जो भूत दुख देते हैं उन्हें निकालने की युक्ति बाप बताएंगे। परंतु पहले वर्णन किया जाता है कि यह भूत हमें ऐसे ऐसे तंग करते हैं। तुम जानते हो तुम्हारे में कोई वह भूत नहीं है, या विकार ही जन्म जन्मांतर के भूत है जिन्होंने दुखी किया है। तो बाप के पास अंत खोलना चाहिए, मेरे में या भूत है, उनको कैसे निकाले। काम रूपी भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है, आंखें बहुत धोखा देती है, इसीलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूं या भी आत्मा है, बल शरीर है, परंतु बीमारी से छूटने के लिए समझाते हैं। तुम आत्माएं तो बाई बाई हो ना, तो इस शरीर को भी नहीं देखना है। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली है, बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी यहां देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, कौन सा गुण कम है। आत्मा को देख बताया जाता है इस आत्मा में या कामी है। तो फिर बैठकर करंट दे कि इनसे या बीमारी निकल जाए, छिपाना नहीं चाहिए। अवगुण बताते रहेंगे तो बाप समझानी देंगे, बाप से बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो, तो बाप की याद से बाबा की महिमा करने से या भूत भागते जाएंगे और तुमको खुशी भी रहेगी। किसम किसम के भूत है, बाप सम्मुख बैठे हैं, तो सब कुछ बताओ। बाबा मैं समझता हूं इस हालत में हमारा घाटा पड़ जाएगा, मैं फील करता हूं। बाप को तरस पड़ता है, माया के भूतों को भगाने वाला एक भगवान बाप ही है। उस भूत को निकालने के लिए कितनों के दर पर जाते हैं, या तो एक ही है। बल बच्चों को भी सिखाया जाता है कि पांच विकारों रूपी
भूत निकालने की युक्ति सभी को बताओ। तुम बच्चे जानते हो कि यह जड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से ऐसे घेराव डालती है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक का कनेक्शन बाप के साथ है। बच्चे तो सब नंबर वार निमित्त है। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, या शरीर मेरा नहीं, या भी खत्म होना है, हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। या तो जानते हो, या पुराना चोला छोड़ना है, यहां रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इसमें ममत्व नहीं है। बस घर जाए, या संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं हमने 84 का चक्र लगाया है। बाप कहते याद की यात्रा पर रहो, जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। वहां योगी तो है ना, निश्चय है हमको ब्रह्म में लीन होना है। उन्हों का धर्म ही ऐसा है, बहुत पक्के रहते हैं। बस हम जाते हैं या शरीर छोड़ जाएंगे, परंतु उन्हों का रास्ता ही रंग है, जा नहीं सकते। बड़ी मेहनत करते हैं भक्ति मार्ग में देवताओं से मिलने लिए। कोई तो अपना जीव घात कर लेते हैं, आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वहां तो होता नहीं, बाकी जीव घात होता है। तो तुम बच्चे सर्विस का बहुत शौक रखो। सर्विस करेंगे तो बाबा भी याद रहेगा। सर्विस तो सब जगह है, कहां भी तुम जाकर समझाओ, कुछ भी करेंगे नहीं। योग में हो तो जैसे तुम अमर हो, कभी दूसरा कोई भी ख्याल नहीं आएगा, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। पहले तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई कामी तो नहीं है। कामी होगी तो सर्विस भी कर नहीं सकते, कामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर शो सन, सन शोस फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। चित्रों पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है, बिगर चित्रों के समझाना कठिन है। रात दिन यही ख्यालात चलता रहे कि हम इनका जीवन कैसे बनाए। इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा, खुशी होती है, हर एक को उमंग रहता है। हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजींस की सेवा करें। बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम।
एक जगह पर बैठ नहीं जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। सन्यासी लोग भी कोई को गद्दी पर बिठाकर खुद रमण करते हैं ना। ऐसे करते करते रुद्धि को पाया है, बहुत नए नए भी निकल पड़ते हैं। जिनकी कुछ महिमा होती है तो कुछ ताकत उसमें आ जाती है, पुराने पत्ते भी चमक पड़ते हैं। किसी में कोई ऐसी आत्मा प्रवेश करती है जो उनकी भी उन्नति हो जाती है। बाप पैठ शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको सदैव अपनी उन्नति करनी है। लाडले बच्चे आगे चल, तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को तोड़ा भी समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। या भी ज्ञान बाण है ना, बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं सवेरे जल्दी उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाबा फिर प्यार कैसे करेंगे? कशिश ही नहीं होगी। बल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, फिर भी चुपकर बैठ तोड़े ही जाएंगे। पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा हमको कितना समझाते थे, बहुत पछताएंगे। नाहक ऐसे किया, माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता है, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी? रोएंगे पीटेंगे सजाए काएंगे। इसीलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट जरूर बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। अच्छा, अति मीठे अति लाडले सर्व सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल मां जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त महावाक्य रिवाइज। जैसे साइंस रिफाइन होती जाती है, ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। जो रिफाइन चीज होती है उसमें क्या क्या विशेषता होती है? रिफाइन चीज क्वांटिटी में भले कम होती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी कम होगी। तो यहां भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय कम संकल्प कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी रहेगा। हल्केपन की निशानी होगी वह कब नीचे नहीं आएगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थित रहेंगे। यह है रिफाइन क्वालिफिकेशन। तो अपने में या दोनों विशेषताएं अनुभव होती जाती है। बारी होने कारण मेहनत ज्यादा करनी होती है, हल्का होने से
मेहनत कम हो जाती है, तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन होता जाता है। या दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे, इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइननेस को चेक कर सकते हो। रिफाइन चीज जाती भटकती नहीं, स्पीड पकड़ लेती है। अगर रिफाइन नहीं होगी, किचड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी, निर्विघ्न चल नहीं सकेंगे। एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हो, दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातें वहां भूले वा संस्कार जो है उनका फाइन भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ वहां नजारा, दूसरे तरफ रिफाइन होने का नजारा, दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो। दोनों साथ साथ नजारे दिखाई दे रहे हैं, वहां भी अति में जा रहा है और यहां भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है। तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो, उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। माला हाथ से नहीं फिरोनी है, चलन से ही स्वयं अपना नंबर ले लेते हैं। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसीलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है, वही सीन अति आकर्षण वाली होती है। अभी भी ऐसी कशमाकशा की सीन चल रही है, देखने में मजा आता है ना, वहां तरस आता है। एक तरफ को देख खुश होते, दूसरे तरफ को देख रहम पड़ता। दोनों का खेल चल रहा है। वतन से तो यह खेल बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जितना जो ऊंच होता है उनको स्पष्ट दिखाई देता है। जो नीचे स्टेज पर पात्रदारी है उनको कुछ दिखाई दे सकता कुछ नहीं, लेकिन ऊपर से साक्षी हो देखने से सब स्पष्ट दिखाई देता है। तो आज वतन में वर्तमान खेल की सीन देख रहे थे। अच्छा वरदान ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त बवा, जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाए। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूरत बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। स्लोगन, आपको कोई अच्छा दे वा बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। अच्छा, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ, सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन जाएंगे। प्यार करना नहीं पड़ेगा, प्यार का स्वरूप बन जाएंगे। सारा दिन प्यार की लहरें
स्वतः ही उछलेगी, जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें वहां प्रकाश बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलेगी। अच्छा, ओम शांति।